तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, अभी हूं मैं पाबी पुस्ता पर और दिखाते हैं आप लोगों को ग्राउंड लेवल पे ये एक्सप्रेस वे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है दोस्तों दिल्ली में। दिल्ली के जो ग्राउंड फील्ड एरिया है वो देखते हैं चल के कि क्या क्या वर्क अभी किया जा रहा है। दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये अंडरपास बनाने का काम किया जा रहा है जो कि पिलर के ऊपर ऊपर होने वाला है दोस्तों। अंडरपास और इसके ऊपर होने वाला है दोस्तों एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे 6 लेन का। दोस्तों देखो कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है जिसमें कि ये पैरा फिटबॉल लगाए जा रहे हैं साइडों में और फिर उसके बाद में अर्थ वर्क का काम किया जा रहा है दोस्तों। लोड रोलर देखो वो खड़ा हुआ है सामने, तो यही काम चल रहा है दोस्तों। और ये बोर्ड आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, ये है दिल्ली यूपी बॉर्डर दोस्तों। इस बोर्ड के उस पार जाते ही दोस्तों यूपी में हम एंटर हो जाएंगे, अभी तो दिल्ली में चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखो साइन बोर्ड लगा दिया जा चुका है और इधर बन के भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को कि किस तरीके से ये बनाया गया है दोस्तों एक्सप्रेस वे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों देखो ये तो उधर से जब हम आए दिल्ली की तरफ से तब का नज़ारा है, तो यहाँ से चलेंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको बनाने का काम किया जा रहा है। देखो सर्विस लेन तो बन चुकी है, अब ये एक्सप्रेस वे की लेन को बनाने का काम किया जाएगा दोस्तों। तो देखो ये साइन बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर और पीछे पीछे का दोस्तों ये दिल्ली है और हम चलते हैं, अब यूपी में एंटर हो चुके हैं दोस्तों। तो उधर दिखाएंगे चल के आप सभी को कि कितना बन के कम्प्लीट हो गया, कहाँ पे टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, उस टोल प्लाजा पे क्या वर्क किया जा रहा है। तो आप बने रहो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों। और बीच का देखो मीडियन है, मीडियन के ऊपर दोस्तों ये एंटी ग्लेयर ब्लेड भी लगा दिए जा चुके हैं जो सामने से आती हुई हाई बीम को रोकने के लिए ये एंटी ग्लेयर ब्लेड का भी इस्तेमाल किया जाता है। और साइडों में दोस्तों आप लोगों को बता दूँ दोस्तों। आप सभी को बता दूं कि इस पुलिया से देखो टोल प्लाजा स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों को दिखाते हैं चल के, पहले ये पुलिया बनने में बहुत टाइम लगा, आप लोगों ने यहाँ का इस पुलिया का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाके देख लेना या मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप सभी को देख सकते हो आप लोग कि किस तरीके से यहाँ पर इसका टोल प्लाजा का निर्माण किया गया दोस्तों। और अभी क्या क्या किया जा रहा है वो आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो आप सभी एंड तक बने रहिए और आप लोगों को बहुत कुछ इस वीडियो में जानने और समझने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो देख सकते हो ये बीच में मीडियन भी इन्होंने बना दिया दोस्तों। और ये देखो इधर की साइड में टोल प्लाजा बनाया जा रहा है
एक लाइन इस साइड में टोल प्लाजा है, दूसरी लाइन इस साइड में आगे टोल प्लाजा है दोस्तों, जो ये साइकिल वाले चल रहे हैं आगे, इस लाइन का आगे मिलेगा आपको, तो मतलब आमने सामने नहीं है, तो इसी वजह से देखो ये टोल प्लाजा की बिल्डिंग है। और आप लोगों को के ऊपर इस टोल प्लाजा के अंदर जाने के लिए लाइन के अंदर देखो ऊपर ये फुट ओवर ब्रिज का भी इस्तेमाल लगाने का काम कर रहे हैं दोस्तों, और जो खिड़की बनेगी टोल प्लाजा की दोस्तों वो देखो यहाँ पर ये इंस्टॉल भी कर दी जा चुकी है। देखो ये लाइट लग रही हैं, ये देख सकते हैं आप सभी, तो कुछ ये इस तरीके से टोल प्लाजा का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो बनाया जा रहा है दोस्तों। देखो ये पीछे का नज़ारा है दोस्तों, हम आगे निकल चुके हैं, अभी पीछे था जो मैंने आप सभी को दिखाया था, तो इसके देख सकते हो मीडियन भी ये बन चुके हैं साइडों से, और टोल प्लाजा के जो वो लोहे का स्ट्रक्चर है वो भी लग चुका है। देखो स्ट्रीट लाइट की ये खंभा भी लगा दिया इन्होंने, देखो काफ़ी लंबा चौड़ा है स्ट्रीट लाइट का खंभा दोस्तों। तो इसी तरीके से यहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को बनाने का काम किया जा रहा है। देखो यहाँ पर ये टोल प्लाजा दिया गया है, जब हम अक्षरधाम से आएंगे और जाएंगे हम दोस्तों देहरादून के लिए या बागपत बड़ौद के लिए, तो यहाँ पर ये टोल प्लाजा बनाया गया है ताकि यहाँ की जनता टोल प्लाजा दे सके दोस्तों। और आप लोगों को बता दूँ ये यहाँ पर कॉन्क्रीटिंग का रोड बनाया गया है टोल प्लाजा की वजह से, यहाँ टोटल कॉन्क्रीट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अब ये हम हो जाएंगे लेफ्ट में, और लेफ्ट में आगे चलेंगे तो दूसरा टोल प्लाजा उस लाइन का उस तरफ बनाया जा रहा है दोस्तों। देखो आगे वो आप लोगों को लोहे का स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा दोस्तों, तो वहीं पर ये टोल प्लाजा दूसरी साइड का बनाया जा रहा है। जब हम आते हैं दोस्तों कहाँ से बागपत बड़ौद से, और जाना है हमें दिल्ली या जयपुर की साइड में जाना है हरियाणा पंजाब में, तो आप लोग यहीं से एंटर होंगे दोस्तों, इस टोल को देंगे और फिर आप लोगों को अक्षरधाम जा कर उसमें हो जाएंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से दोस्तों कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये सराय कालेखा निजामुद्दीन ये होते हुए निकल जाएगा दोस्तों, नोएडा ग्रेटर नोएडा जाने वाले वो सीधे निकल जाएंगे। और यहाँ से दोस्तों वहाँ पर भी एक इंटरचेंज बनाने का काम किया जा रहा है अभी, तो आप लोगों को दिखाएंगे बारापुल्ला जो फ्लाई ओवर बनाया गया है वहीं पे इसका निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के सब आप सभी को आगे दोस्तों।
यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को। देखो यहाँ पर ये एलिवेटेड हो जाता है दोस्तों, जो कि मंडोला बिहार के सामने जाके इसका एंड होगा दोस्तों। नीचे उतरेगा फिर वहाँ से फिर चढ़ जाएगा दोस्तों, फिर जाएगा ईपीई एक्सप्रेसवे तक दोस्तों, यानी कि बागपत बॉर्डर तक। तो देख सकते हो सारे पिलर कनेक्ट कर दिए जा चुके हैं दोस्तों। एक पिलर से दूसरे पिलर का बीच में जोड़ने का काम था वो सारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। फ्लोर वर्क भी हो चुका है, अब इसके दोनों साइड के पैरा फिटबॉल बनाने का काम किया जा रहा है और इसका फिनिशिंग का काम किया जाएगा। फिनिशिंग हो जाने के बाद में दोस्तों इस पर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। तो यही काम चल रहा है दोस्तों। और सामने आप लोगों को बता दूँ ये आ जाता है टी पॉइंट, यहाँ पर पावी पिस्ता ख़त्म हो जाता है और लोनी सादरा रोड स्टार्ट हो जाती है, जो कि हम जाएंगे सादरा और लोनी के लिए राइट में दोस्तों। और यहाँ से लेफ्ट में चले जाएंगे दोस्तों, बागपत बड़ौत सामली सहारनपुर होते हुए ये देहरादून जाके निकलेंगे दोस्तों। तो यहाँ से ये बागपत बॉर्डर से दोस्तों ये ग्रीन फील्ड हो जाता है, जो कि खेते से होकर जाता है दोस्तों। तो देख सकते हो बीच का मीडियन भी बनाया जा रहा है और मीडियन को बनाने के बाद में फिर इसमें मिट्टी भर देंगे और प्लांटेशन कर दी जाएगी दोस्तों। तो यही काम चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का। आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसी ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर देना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत अपने चैनल पर लाता रहता है दोस्तों और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो बढ़ते आगे और दिखाते चल के आप सभी को दोस्तों। ऊपर का एलिवेटेड हिस्सा बन जाने के बाद में दोस्तों फिर इस पर ये ड्रेनेज बनाया जा रहा है और अभी ये रोड को भी बनाया जाएगा, जो कि आगे बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो आप सभी को आगे चल के दिखाते हैं ऐसे ही ड्रेनेज बनने के बाद में फिर दोस्तों रोड बनेगी, वो आगे बनाया गया है। तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को आगे नज़ारा। We'll be right back.
दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मीडियन को बनाया है, उसमें मिट्टी डाल दी है और साइडों से ये ड्रेनेज बन चुका है दोस्तों इधर तो। और देखो फ्लोर वर्क हो चुका है इसका एलिवेटेड सेक्शन का दोस्तों, अभी फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। और इन्होंने देखो रोड भी बना दिया दोस्तों, और रोड बना देने के बाद में अब इस पर लैंडमार्किंग की जाएगी दोस्तों, और स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएंगी। अभी इस पर एलिवेटेड हिस्से पर दोस्तों ब्लैक टॉप भी किया जाएगा, तो यही काम चल रहा है। और आप लोगों के बीच में अपडेट काफ़ी लेट देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मेरा आप लोगों को पता ही है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो उस चक्कर में मैं अपडेट दे नहीं पा रहा था आप सभी को दोस्तों। लेकिन अब आप लोगों के बीच में रेगुलर अपडेट देखने के लिए मिलते रहेंगे दोस्तों, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के दोस्तों, और दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के दोस्तों। द्वारका एक्सप्रेस वे भी दिखाने वाला हूँ मैं आप सभी को, और आने वाले टाइम में आगे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसा वैसा आप लोगों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी दिखाऊंगा दोस्तों। जेवर में जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों, तो आप बने रहो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। हमें नीचे कॉमेंट करके बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो दोस्तों, ताकि मैं आप सभी लोगों के बीच में अच्छे से अच्छे अपडेट ला सकूं ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह के। जो NCR में अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों, रोड्स बनाए जा रहे हैं, हाईवेस बनाए जा रहे हैं, मेट्रोस लाई जा रही हैं दोस्तों, उनका कंस्ट्रक्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखो KP संत को, लाइक शेयर करो दोस्तों, और आप लोग KP संत फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, KP संत पेज है मेरा KP संत के नाम से, तो उस पर भी आप लोग ये अपडेट देख सकते हैं जाकर। और इंस्टाग्राम पे तो मैं एक्टिव रहता ही हूँ एनी टाइम, तो आप लोग इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन करो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो दोस्तों, तो आप लोगों के बीच में ऐसे ही अपडेट आते रहेंगे और आप लोगों को KP संत लाता रहता दिखाता रहता। तो देखो दूसरी साइड का भी अभी ड्रेनेज बनाया जा रहा है, इस साइड का तो बन चुका है दोस्तों देख सकते हो, और आगे ये रोड भी बन चुकी है दोस्तों, और ये बनाया जा रहा है दोस्तों 14,000 करोड़ की लागत से दोस्तों।